पांच किलो राशन दो और खाओ और शौचालय में जा आगो, यही विकास है। देश में कितना खर्चा है नहीं देखो, महंगाई महंगाई किसको है, 18 बच्चे 3-3 शादी करता उसके लिए महंगाई। ईडी और जेल तो एक बहाना है, मोदी जी से तो मलई खाना है। तो ये रिक्शा चला रहे ना 300-400 रुपए दिहाड़ी कमा के जाते हैं, जब MSP लगने के बाद वही गेहूँ जब 20 रुपए से 50 रुपए पहुंचेगा, आलू 7 से 70 पहुंचेगा, क्या ये खरीद खा लेंगे? भूखे मर जाएंगे पेट से। आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया, अभी हम हैं दिल्ली के चांदनी चौक के पास, हमारे पास तमाम लोग हम इनसे बात करेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के। दादा बीजेपी कह रही है इस बार 4 से पार, वहीं विपक्ष की कांग्रेस पार्टी कह रही है इस बार होगी न्याय की बात, क्या लगता है जनता से बात करते हैं, जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी, जनता का मुद्दा क्या होगा, महंगाई बेरोजगारी या फिर रोजगार, आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? कौशल। क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार राहुल गांधी। क्यों लग रहा है राहुल गांधी? देश में विकास किया है कांग्रेस ने, तो विकास किया देश में 10 साल से तो बीजेपी की सत्ता में है, क्या लग रहा है? 10 साल में विकास हुआ कि नहीं? विकास नहीं हुआ। 111 भुखमारी में कर्जा कितना ले चुका है, देश में कर्जा बढ़ा दिया, GST सही है, हर चीज महंगाई है, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ 10 साल। आज बीजेपी बोल रही है कि एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो, वंदे भारत डिजिटल इंडिया। मेट्रो से हमसे क्या होगा? हमको तो गरीबों की आवाज की बात कर रही है, शौचालय की बात कर रही है, बनाएगी नहीं? अच्छा 5 किलो राशन लो और खाओ और शौचालय में जा आगो, यही विकास है, ये भी कच्चे हमको है। देश में कितना खर्चा है नहीं देख रहा है, कितना भूखमारी है देश में, चाहे पहले भी था, आज ज्यादा ले लिया उसने कर्जा, समय के अनुसार बढ़ रहा है। 2014 में जो कर्जा था 17 लाख करोड़, 2014 में भी था, 2018 50 कर्जा नहीं लिया 10 साल में, इससे डबल कर्जा ले लेगा वो। आज जगह जगह में टूल टैक्स कितना बना के रखा है, बोल रहा है कि जगह जगह में हाईवे बना दिया, कितना घोटाला कर रहे टूल टैक्स बना के, आधा घंटा बाद बच जाओ एक टूल टैक्स, आधा घंटा बाद जाओ एक टूल टैक्स, वो पैसा नहीं ले रहा। पहले भी बात की, पहले भी 700 रुपया करके नहीं ले रहा, वो पैसा कहाँ जा रहा है? बदलाव लग रही है? हाँ बदलाव तो आएगा ही। किसे प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? राहुल गांधी को बनाएंगे और मोदी पार, ये बोले राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। 100 बार का नारा चला गया, 150 बार भी नहीं कर पाया। नहीं बोले राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इस बार। ये क्या बोल रहे हैं? इस बार भाजपा का सफाया है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ये बोल रहे हैं। दारू पी लिया भाई साहब ने, ये बोल रहे हैं कि इस बार आज महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बता रहे हैं। जब केजरीवाल दारू घोटाला में उसको पकड़ा, जब एक का साथ एक फ्री दिया तब क्यों नहीं पकड़ा, जब इलेक्शन आया चोर जब चोरी किया चोर को उस टाइम नहीं पकड़ा, जब इलेक्शन हो रहा है तब जाके पकड़ा उसको। सबको लग रहा है कि गलत है, झूठ है, वो लग रहा है गलत है। राजनीति में आके जब इलेक्शन होगा तब पकड़े। कोर्ट द्वारा जेल में गए ना? वो तो कोर्ट द्वारा जेल में गए ना। अच्छा कोर्ट कुछ मुद्दा मिला उसको? मिला तो अभी बेल से बाहर है, फिर 2 तारीख को फिर अंदर जाएंगे। मिला तो नहीं है अभी, मुद्दा मिलेगा तब ना। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पे, 2 तारीख को फिर जाएंगे अंदर। सुनो 400 चैनल अंबानी पाल रहा है, 400 चैनल, एक दो चैनल ये 400 चैनल का अंबानी पैसा देता है, बोल रहा है इस बार बीजेपी की जा रही है। अरे भैया 400 पार, उसको हिलाने वाला कोई नहीं। बोल रहे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इस बार। कौन वो कटोरा लेके, वो सोनिया गांधी, दोनों आदमी जाए। महंगाई बेरोजगारी देश में बहुत हो गया, कुछ नहीं। किसको महंगाई है भाई साहब? किसको महंगाई? महंगाई किसको है? 18 बच्चे 3-3 शादी करता उसके लिए महंगाई है। एक कमाने वाले भाई, हम 5 परिवार है, 3 कमाने वाले 2 खाने वाले, हमें तो कोई महंगाई नहीं। बोल तो रहे हो कौन? वो बांग्लादेशी है भाई, बोल रहे बीजेपी सारे पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। कटोरा लेकर विदेश में भीख मांगने के लिए प्रधानमंत्री जाएगा। क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी? क्यों लग रहा है राहुल गांधी? महंगाई की वजह से। और क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी है, और ये 250 करोड़ रुपये चंदा लिया ना इन्होंने गाय भैंस काटने वाली कंपनियों से, वो भी मैटर है। और रोड की बात कर रहे हो आप, रोड 2 रुपए पर किलोमीटर पड़ रहा है। अगर आप हाईवे इस्तेमाल करोगे ना, ये जो बनाए इन्होंने टूल, तो पर किलोमीटर आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे, 2 से 2.5 रुपए है मिनिमम, 2 रुपए से ऊपर ही है। तो इसको देखते हुए थोड़ा बदलाव होना जरूरी है। तो राहुल गांधी मेरे हिसाब से, तो राहुल गांधी मोदी सरकार आएगा भैया। राहुल गांधी तो महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा मुद्दा इस पर बढ़ गया है, बोल रहे वो तो अभी ये सब खत्म हो गए तो भ्रष्टाचार ये हो गया ना उनका, अभी मोदी आएगा नमो नमो 400 पार। क्यों लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं? वो आने वाला है। विकास हुआ 10 साल में? हुआ है ना। क्या कुछ बताइए, कुछ विकास जो हुआ है? बहुत सारा हुआ है, वो दुनिया के आंखों से दिख रहा है क्या विकास हुआ है। विपक्ष तो बोल रही है अगर 20 बार बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी, वो उनको डर लगने लग गया है, वो कोई नहीं होगा। ये क्या लग रहा है? नहीं नहीं संविधान वो बदल नहीं देंगे, क्योंकि संविधान का देखिए संसद का दर्शन करके ही मोदी जी अंदर जाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वो फूल चढ़ाते हैं, वो कभी भी संविधान नहीं बदलने वाले हैं, ये उन्होंने खुद कहा है। तो देखिए इस देश में विकास के भी बहुत से मुद्दे रहे हैं।
इस देश का विकास बहुत बड़ा हुआ है, इस देश में रस्ते बने हैं। देखिए महिलाओं के लिए, अभी अभी मैं कल वाराणसी में था तो देखिए महिलाओं का मेला बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री जी खुद आए थे तो बहुत सी महिलाएं उन्हें दुआएं दे रही थी कि संसद में उन्हें 50% 33% 33% उन्हें मिला है, महिला सुरक्षित हो गई है और उससे 3 तलाक का भी काम हो चुका है। इसलिए इस देश की हिंदू महिलाएं हो चाहे मुस्लिम महिलाएं, सब मोदी जी पे खुश है, उनका जो वोट है वो उन्हें मिल रहा है, इसलिए बीजेपी सबसे आगे बढ़ रही है। विपक्ष बोल रही है कि मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो मणिपुर में घटना है उसको लेकर तमाम सारी बातें कर रही है। देखिए देखिए इस देश में कुछ ऐसी घटना है, ये विरोधी ने जानबूझकर उस मुद्दे को उठाया है। मोदी जी ने उस बात का भी, मणिपुर के बात का भी बंदोबस्त किया था, बहुत सी आलोचना हुई लेकिन मोदी जी ने पूरा अच्छी तरह से उस बात को संभाल लिया है। विपक्ष की पार्टियां बोल रही है कि जो मोदी सरकार है, जितने भी तो विपक्ष पार्टियां हैं उनको जेल में डाल रही है, सीबीडीसी और सीबीआई के सहारे लेकर के। ये पूरी बात गलत है, मोदी जी ने इंटरव्यू में बताया था कि जितने लोग अंदर गए हैं उससे तो 70% लोग वो प्रशासकीय रूप के हैं, उसमें ये राजकीय स्वरूप के तो कोई नहीं है। और देखिए ईडी और जेल तो एक बहाना है, मोदी जी से तो मलई खाना है। ईडी तो एक बहाना है, जेल तो एक बहाना है, असल में मोदी जी से मलाई खाना है। नहीं, अभी आपने बोला सबको अंदर जा रहे हैं, ठीक है। आप एक बात बताओ, एक देश का एक राज्य है जिसका सिटिंग सीएम जेल में जाता है दारू घोटाले के चक्कर में, ठीक है, तो आप बताओ इससे ज्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है किसी देश के लिए कि सिटिंग सीएम जेल में गया घोटाले के चक्कर में, कोर्ट ने फटकार लगा दी। तो विपक्ष वही बोल रही है ना कि ईडी सीबीआई का सहारा लेकर के विपक्ष को जेल में डाल रही है। पहले क्यों नहीं गई? क्योंकि पहले कोई सीएम इस तरीके से घोटाला किया ही नहीं, जनता को बेवकूफ बना के। जब चुनाव है, चुनाव के समय में सबको जेल में डाल रही है ताकि बीजेपी आराम से जीत जाए चुनाव। अरे सर, जेल में तो पहले भी तो जाते थे, केजरीवाल पहली बार जेल कब गया था बताओ ना, 2013 में गया था, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी ना। तो ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई ना, गुमराह कर रहे हो आप बस जनता को, बेवकूफ बना रहे हो। सीबीडीआई किसी के बाप की जागीर थोड़ी है कि अपनी मर्जी से चला लेगा, एक संस्था है भाई, उनकी रिस्पेक्ट है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। कांग्रेस को एक बार मौका देना चाहिए, कांग्रेस महिलाओं की बात कर रही है, मौका नहीं देना चाहिए। एक मिनट आप बात बताओ ना, हम क्यों दें कांग्रेस को मौका जब हमारे देश को लूट गए? हमारे देश बोल रही है कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, महिलाओं को हम 1 लाख, हर महिला को सालाना 1 लाख, हर महिला को 1 लाख रुपए हम देंगे सालाना। एमएसपी की बात करती है, किसानों की बात करती है, महिलाओं की बात कर रही है, युवाओं की बात कर रही है। जब गरीबी सर, पहले बात जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, ये बातें 1000 बार चर्चा हो चुकी हैं कि एमएसपी देना पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग यहाँ रिक्शा चलाते हैं, कांग्रेस बोल रही है मैनिफेस्टो में अपने किया, एमएसपी लागू करेगा। कांग्रेस को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं आता, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ भैया। ये देखो ये रिक्शा चला रहे ना, 300-400 रुपए दिहाड़ी कमा के जाते हैं, जब एमएसपी लगने के बाद वही गेहूं जब 20 रुपए से 50 रुपए पहुंचेगा, आलू 7 से 70 पहुंचेगा, क्या ये खरीद खा लेंगे? खा पाएंगे, भूखे मर जाएंगे पेट से, जब अभी कह रहे हैं, ठीक है। और रही बात जहां तक आपने बोला कांग्रेस को वो क्यों नहीं देना चाहिए, उसके कई कारण है। पहली बात तो इन्होंने कुछ विकास नहीं करा। आप पहली बार डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, आप देखो पहले 2 राज्यों में मेट्रो थी, 62 सालों में इन्होंने किया था, आज 20 राज्यों में मेट्रो है, ठीक है, जहाँ 20,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रिफाइड था, आज के डेट में पूरा भारत इलेक्ट्रिफाइड है। उसके बाद सबसे लंबी टनल, सबसे बड़ा अटल सेतु ब्रिज, वो तो अलग चीज है। उसके बाद सबसे ऊंचा भी कश्मीर में आप जाके देखो, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति स्टैच्यू, मतलब इतने काम करे ना, 95,000 किलोमीटर हाईवे से 1.5 लाख तक आंकड़ा पहुंच गया। आप देखो उस चीज को कितना डेवलपमेंट हुआ। और सबसे बड़ी चीज है देश ने, हमारे देश, कांग्रेस सरकार ने हमारे देश के कल्चर को खा गया, इसकी वजह से हम उन्हें नहीं देना चाहते। वो रोजगार का मुद्दा उठ रहा है इस बार की बीजेपी की जब से आई है, रोजगार कम हो गया। सर कहाँ रोजगार कम हो गया है, आप जब डेटा पे बात करोगे तब तो आपको समझ में आएगा रोजगार कम हुआ है क्या हुआ है। आप सबसे बड़े अर्थशास्त्री हमारे लिए मनमोहन सिंह माने जाते हैं, आप डेटा उठा के देखो ना, 2004 से 2014 के बीच सिर्फ 27 मिलियन वैकेंसी निकली थी जॉब की, ओवरऑल 27 मिलियन वैकेंसी निकली, और यही पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 के बीच में 85 मिलियन वैकेंसी निकली है। कहाँ गया भाई, सीधा 3 गुना रोजगार निकला है। आप देखो ना उस चीज को, जब आप डेटा करोगे, रिसर्च करोगे, तब आपको समझ में आएगा। जब जर्मन सपर्ट की वीडियो देखोगे द्रोराटी की, तो ऐसे ही मोए मोए होगा कहीं पे भी। युवाओं के लिए इस बार क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? इस बार मोदी जीतेगा और जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा। सबसे पहले मैंने विकास गिनाया, पहले मैंने राम मंदिर नहीं गिनाया, सबसे पहले विकास गिनाया। और दूसरी चीज, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बिल्कुल सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि हमें कांग्रेस ने भैया गुलाम बना के रख दिया था। कैसे, मैं बताता हूँ। आप इसी देश में
आप इसी देश में कुरान पढ़ा सकते हो, बाइबल पढ़ा सकते हो, लेकिन आप आप स्कूल में श्री रामचरित मानस और श्रीमद भगवद गीता नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि आप संविधान के खिलाफ हो जाओगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप नहीं पढ़ा सकते। हम 80% होने के बाद भी अपने देश में गुलामी कर रहे हैं, सोचो। लेकिन अभी हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा यह चीज, कांग्रेस ने क्या करा है। वक्फ बोर्ड लेके आई, तब कहाँ था संविधान? अभी आपने बोला था ना संविधान चेंज कर देंगे, जब वक्फ बोर्ड लेके आई कहाँ था संविधान? यही केजरीवाल, अभी भी हिंदुओं समझ जाओ, यही केजरीवाल शपथ लेता है कि वक्फ बोर्ड के बाद आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसा होगा। वक्फ बोर्ड वो चीज है जो आपकी प्रॉपर्टी पे अगर कल को क्लेम कर देना तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे हाथ जोड़ना पड़ेगा, प्लीज हमारी जमीन जो हमारी जिम गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ठीक है। विपक्ष बोल रही है कि जब से बीजेपी आई है देश में हिंदू मुस्लिम एकता से बढ़ गया है। विपक्ष के पास सर, अगर हिंदू मुस्लिम अगर हो गया है, अगर ये हिंदुओं के इतने बड़े हितैषी हैं, सबसे मेन मुद्दा तो यही है, मैं वोट नहीं दूंगा बीजेपी को, उसको सगा बोलते हैं कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि राम मंदिर का इन्विटेशन गया, आपके घर में शादी का कार्ड आता है ना, आपकी मर्जी है आप जाओगे कि नहीं जाओगे। इन लोगों ने इन्विटेशन गया, आप लेके रख लेते मत जाते, उन लोगों ने उस चीज को वापस कर दिया, ठुकरा दिया उस चीज को। राम का कितना बड़ा अपमान किया इन लोगों ने, ठीक है, इसकी वजह से वोट नहीं देंगे और कांग्रेस हारेगी, चार तो पार होगा मोदी, किसी के बाप में दम नहीं है कि रोक के दिखा दे, ठीक है। मोदी की घंटी चलेगी, बिल्कुल चल गई।